प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों को गैस सिलेंडर वितरित किए गए। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि सांसद अनुराग ठाकुर ने शिरकत की और लोगों को केंद्र सरकार व प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों से भी अवगत करवाया गया, ताकि लोग उनका लाभ उठा सकें। सांसद अनुराग ठाकुर ने बताया कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत सुजानपुर में लोगों को गैस सिलेंडर और चूल्हे वितरित किए गए। उन्होंने बताया कि यह एक प्रयास है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कि देश में 8 करोड़ महिलाओं को गैस सिलेंडर दिए जाएं। उन्होंने बताया कि महिलाओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर यह एक पहल की गई है, जिसमें प्रदेश सरकार द्वारा चूल्हा भी दिया जा रहा है। जिला हमीरपुर के सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा शुरू की उज्ज्वला योजना के माध्यम से आज बहुत सारे परिवारों को रसोई गैस का सिलेंडर और चूल्हा दिया गया है। ये एक प्रयास है माननीय प्रधानमंत्री जी का कि देश में 8 करोड़ महिलाओं को LPG का सिलेंडर दिया जाए। वहीं पर राज्य की सरकार ने चूल्हा भी अपनी ओर से मुफ्त में देने का प्रावधान किया है। 1 लाख परिवार जो अभी प्रदेश में बचते हैं, उन सभी परिवारों को अगले 1.5 वर्ष के अंदर रसोई गैस का सिलेंडर और चूल्हा दे दिया जाएगा। एक अनूठा प्रयास है, क्योंकि 400 से ज़्यादा सिगरेट का धुआं 1 घंटे के अंदर महिला के अंदर जाता है, जो चूल्हा लकड़ी का जलाती हैं, उससे मुक्ति दिलाने के लिए, उनको स्वस्थ रखने के लिए मोदी जी का यह सपना देश में नए आयाम स्थापित कर रहा है।